अब रुक करते हैं देवभूमि की खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां पर चक्राता सड़क हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ गई है। सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। एक ही गांव के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। कार की खाई में गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है। चक्राता के करीब 50 किलोमीटर आगे की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी, इसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है। मृतकों की संख्या 13 हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये सभी मृतक एक ही गांव के थे और चक्राता के करीब 50 किलोमीटर आगे ये घटना हुई है। यहां पर सरकार की तरफ से रेस्क्यू टीम को भी भेज दिया गया है और जो घायल हैं उन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। चक्राता सड़क हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को हर संभव मदद करेगी सरकार, ये खुद सीएम धामी ने कहा है। घटना स्थल पर डीएम कमिश्नर को भेजा गया है। मौके पर मंत्री गणेश जोशी को भेजा गया है। आपको बता दें कि खुद सीएम धामी ने दुख जताया है इस हादसे के बाद और कहा है कि सभी घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी। तो घटनास्थल पर डीएम कमिश्नर सभी को भेज दिया गया है और इसकी जांच भी की जाएगी कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ है। मौके पर मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से भी हादसे हो रहे हैं और ओवरलोडिंग पर अब सरकार सख्त है। जो भी ओवरलोडिंग करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। चक्राता सड़क हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच की। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, सीएम धामी ने कहा है कि जो पीड़ित हैं उनके लिए हर संभव सहायता दी जाएगी, लेकिन ओवरलोडिंग पर सरकार बहुत ही सख्त है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये जो क्षेत्र है जहां ये घटना घटी वहां के लिए आम बात है, हम हर तीसरे छठे महीने साल में कई बार तो दो दो घटनाएं सुनते हैं। दरअसल समस्या ये है, स्थानीय राजनीति के चलते और कुछों की लापरवाही के चलते परिवहन निगम की बस चलती नहीं और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यूटिलिटी वाहन में 25 लोग सवार थे, एक इनोवा या उससे बड़ी कार में 5 या 6 लोग आते हैं तो यूटिलिटी में 25 कैसे बैठे। ज्यादा किलोमीटर का सफर कर पाए होंगे और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर है। 3 दिन बाद त्योहार है, त्योहार से ठीक पहले दुख भरी खबर आई है राजधानी देहरादून से। कहने को देहरादून जिले में है पर इतनी स्थिति यहाँ की नाजुक है, इतना या दुर्गम और इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि कोई देहरादून का अगर शहर देखे और इलाका देखे तो खुद भी चौंक जाएगा। हालांकि अब ये एक बहुत अच्छा संदेश गया है जो मुख्यमंत्री ने शक्ति दिखाई है जी। अपने मंत्री गणेश जोशी को मौके पर भेजा है तो माना जा रहा है कि अब ऐसे हादसे जहाँ भविष्य में रुकेंगे वहीं ऐसे मार्गों पर वाहन संचालन के लिए कोई ठोस नीति भी बनेगी जी। सुदीप, खास बात यह है कि ज्यादा कमाई करने के लिए ज्यादातर लोगों को भर लिया जाता है और अमूमन हादसे का शिकार हो जाते हैं वाहन और ऐसे में लोगों की जान भी चली जाती है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कार खाई में गिरी और इतनी तादाद में लोग सवार थे, ये बहुत हैरानी की बात है। उत्तराखंड की सुदीप, उत्तराखंड के जो सड़कें हैं वो बहुत ही दुर्गम होती हैं, ऐसे में ओवरलोडिंग हमेशा जान का खतरा बना रहता है। देखिए, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, सड़कों की हालत नाजुक होती है और जहां तक आपने 25 जो वाहन में 25 लोगों के बैठने की बात कही, देखिए उसमें दो वजह है। परिवहन निगम स्थानीय राजनीति में फंसकर बस चलाने से बचता है और स्थानीय जो ट्रांसपोर्टर है जो कंडम गाड़ी रिजेक्टेड गाड़ी चला रहे हैं 25-25 सवारी में, वो सवारी ढोके पैसा कमाते हैं। स्थानीय लोगों की मजबूरी है, उनको परिवहन करना है। जैसे ब्याला गाँव के लोग विकास नगर आ रहे थे तो ये आखिर कहाँ सफर करें, किससे गुहार लगाए, अब तक जाना नहीं पसंद करते दुर्गम के इलाकों में। लिहाजा मुख्यमंत्री को नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी कि कलेक्टर और कमिश्नर तत्काल मौके पर पहुंचे, अपने मंत्री को उन्होंने रवाना किया। तो ये पूरा नेक्सस है, इसमें ट्रांसपोर्टर लॉबी भी शामिल है, ग्रामीणों की मजबूरी है,
तो कहीं ना कहीं परिवहन निगम के जीएम और एमडी की भी अनदेखी है, जो इस ओर नहीं झांकते कि आखिर दूरस्थ क्षेत्रों में बस क्यों नहीं चल रही है। उनको सिर्फ दिल्ली देहरादून, दिल्ली हरिद्वार या राजस्थान या हरियाणा या पंजाब के रूट क्यों पसंद है। राज्य का स्थानीय परिवहन निगम पर आखिर राज्य में बस कब चलाएगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आखिर 13 लोगों की मौत हुई है। जी सुदीप, जिस तरह से गणेश जोशी पहुंचे हैं वहां पर, जाहिर है कि कार्रवाई, उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच भी कराएंगे, और जाहिर है कि जो लोग भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जो वाहन चलाते हैं या अनदेखी की जाती है, लोगों की जान को ताक पर रखकर यहां पर गाड़ियां चलाई जाती है, ओवरलोडिंग, तो यहां पर जब गणेश जोशी पहुंचेंगे तो जो लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये तो सीधा संदेश है। देखिए, गणेश जोशी मौके पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। ये जो क्षेत्र है चक्राता विधानसभा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी का है। अब देखना होगा गणेश जोशी लौट के आते हैं, सरकार को क्या ब्रीफ करते हैं, सरकार क्या एक्शन लेती है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि परिवहन विभाग के ARTO प्रवर्तन या TIRI के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पर इस पर साधारणतया तत्काल कार्रवाई की बजाय इस पर कहीं ना कहीं ठोस योजना नीति बनाने की जरूरत है, जैसा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति से भी लगा है। तो हम ऐसा भी मान रहे हैं कि शायद अब आने वाले समय में हाथ से रुके, लोगों को परिवहन निगम की बसें मिल सके परिवहन के लिए आने जाने। जी सुदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल तिरंगा यात्रा लेकर शुरू कर चुके हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हरिद्वार के इलाके में तिरंगा यात्रा निकाला है आपकी तरफ से, और इसकी अगुवाई कर रहे हैं कर्नल कोठियाल। आपको बता दें कि रानीपुर विधानसभा में जटवाड़ा पुल से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की है और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की ये कवायद है आपकी तरफ से। तरह तरह की रणनीति बनाई तो जा ही रही है सभी पार्टियों की तरफ से, और आपने भी तिरंगा यात्रा से ये रणनीति बनाई है कि वो यात्रा निकालेगी और इसी के तहत लोगों से, आम जन से जुड़ने की कोशिश करेगी और आम जन को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी आप। और आपने यहाँ पर लुभावने ऐलान भी कर दिए हैं कि वो मुफ्त बिजली देगी अगर उनको सरकार में लाया जाता है तो। ऐसे में देखना ये होगा कि आपकी तरफ से जो तिरंगा यात्रा शुरू की गई है वो कितना कारगर होती है आप पार्टी के लिए। तो ये जो फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये आपकी तिरंगा यात्रा की तस्वीर जिसकी अगुवाई कर रहे हैं कर्नल कोठियाल। दरअसल ये जो यात्रा है वो विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके से, हर विधानसभा क्षेत्र के इलाके से होकर गुजर रही है, और आज रानीपुर विधानसभा में जटवाड़ा पुल से कर्नल कोठियाल ने बढ़ते आगे। टिहरी में 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। राज्यपाल का डीएम और एसएसपी ने जोरदार स्वागत किया। गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे राज्यपाल, और यहां पर रुककर गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे हैं। राज्यपाल का डीएम और एसएसपी ने भव्य स्वागत किया है। राज्यपाल गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद वो THDC गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो THDC गेस्ट हाउस में ही राज्यपाल रुकेंगे। दरअसल 2 दिनों का उनका दौरा है, और अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत ही राज्यपाल गुरमीत सिंह टिहरी पहुंचे हैं। बैठक भी करेंगे और यहीं पर वो रुकेंगे। तो 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। राज्यपाल का डीएम और एसएसपी ने भी जोरदार स्वागत किया है। देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एकता दिवस के मौके पर भाजयुमो द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी का सीएम ने फ्लैग ऑफ किया और दौड़ भी लगाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल ने कई रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी, साथ ही भारत की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है।
देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शराब को प्रमोट करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और डेनिश ब्रांड की शराब कांग्रेस की नहीं है। साथ ही देवप्रयाग जैसी देवतुल्य जगह पर शराब की फैक्ट्री लगाना बेहद गलत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी शराब प्रेमी सरकार है। आघात पहुंचाने वाली सरकार और घर घर लोगों के घरों में शराब पहुंचाकर कीर्तिमान स्थापित करने वाली सरकार, आप हमसे सवाल ना पूछें, बस सवाल का ये उत्तर दीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।